दोस्तों गुजरात टाइटंस के खिलाफ रोहित शर्मा ने अपने टीम में किए बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि रोहित शर्मा ने गुजरात के खिलाफ किन किन भूखे शेरों को मौका दिए हैं और क्या रहने वाली है मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और अगर आप भी रोहित शर्मा के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस अपना अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी, जो मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि एक बार पहले ही मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का आमना सामना 25 अप्रैल को हो चुका है, जिसमें गुजरात ने मुंबई को हराकर 55 रनों से अपने नाम शानदार जीत दर्ज की थी। ऐसे में मुंबई इस मुकाबले को जीतकर गुजरात से अपना बदला लेना चाहेगी। तो दोस्तों क्या रहने वाली है गुजरात के खिलाफ मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में ईशान किशन और रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे, जहां ईशान किशन काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, मगर गुजरात टाइटंस के खिलाफ रोहित शर्मा से अच्छी पारी की उम्मीद रहेगी। जबकि तीसरे नंबर पर मिस्टर 360 डिग्री कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव खेलने वाले हैं, जो पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 35 गेंदों में 83 रनों की शानदार पारी खेले थे। वहीं चौथे नंबर पर कैमरन ग्रीन खेलेंगे, जो अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पर निहाल वधेरा खेलते नजर आएंगे, जो पिछले दो मुकाबले से लगातार अर्धशतकीय पारी खेल रहे हैं, और इस मुकाबले में भी निहाल वधेरा से ऐसे ही पारी की उम्मीद रहेगी। जबकि छठवें नंबर पर टिम डेविड खेलने वाले हैं, जो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि ये पिछले मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए थे, मगर गुजरात के खिलाफ खतरनाक बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं। वहीं सातवें नंबर की बात करें तो सातवें नंबर पर पीयूष चावला खेलेंगे, जबकि आठवें नंबर पर आकाश मधवाल की जगह अर्जुन तेंदुलकर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं नौवें नंबर पर क्रिस जॉर्डन की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलेगी, जबकि दसवें नंबर पर कुमार कार्तिकेय और ग्यारहवें नंबर पर जेसन बैरन ड्रॉप खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की रहने वाली है मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। और दोस्तों आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस इस महामुकाबले को जीत पाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दें।